हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के डिजाइनिंग प्रोसेस के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल रोबोट से लेकर एक शानदार ट्रांसफॉर्मर कैसे बनता है और कैसे उसके डिजाइन, स्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्मेशन का ख्याल रखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जब हम ट्रांसफार्मर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है उनका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कार से रोबोट और रोबोट से कार में बदलना। पर क्या आपने दिमाग पर जोर दिया है कि ये डिज़ाइन कैसे बनता है? आइए बात करते हैं G1 यानी जनरेशन 1 के डिज़ाइन से। जब 1980s में ट्रांसफार्मर फर्स्ट टाइम सामने आया तो उनका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल था। इन ट्रांसफॉर्मर्स का डिज़ाइन बॉक्स जैसा होता था जो टॉयज़ बनाने वालों को भी बनाने में इजी हो जाता था। पर जैसे जैसे फ्रेंचाइज बड़ी होती गई, डिज़ाइन भी ज़्यादा डिटेल और कॉम्प्लिकेटेड होते गए। अब सवाल यह है कि डिज़ाइन कैसे बनते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर ट्रांसफॉर्मर एक मशीन और एक लिविंग बींग का मिक्सचर होता है। डिज़ाइनर को यह कन्फर्म करना होता है कि रोबोट और उसके व्हीकल फॉर्म में ज़्यादा डिफरेंस ना दिखे। कैरेक्टर डेवलपमेंट, सबसे पहले डिज़ाइनर्स के पास एक कंसेप्ट होता है, यानी डिसाइड करना कि ट्रांसफॉर्मर का कैरेक्टर क्या होगा। क्या वह एक पीसफुल लीडर होगा जैसे ऑप्टिमस प्राइम, या एक विलन जैसे मेगाट्रॉन। इस बेसिस पर डिज़ाइनर उनका डिज़ाइन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, डिज़ाइनर्स को यह भी कन्फर्म करना होता है कि ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से हो, यानी अगर एक ट्रांसफॉर्मर कार में बदलता है तो ये प्रोसेस सिंपल और दर्शकों के लिए इम्प्रेसिव होना चाहिए। विजुअल एस्थेटिक्स, डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा ध्यान इसकी सुंदरता पर भी होता है। ट्रांसफॉर्मर के हर पार्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो देखने में अट्रैक्टिव और धमाकेदार हो, लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं है। डिज़ाइनिंग के वक्त कई चैलेंजेस आते हैं। मेन मटेरियल एंड शेप्स, खासकर ट्रांसफॉर्मर के फिल्म डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम माइकल बे के फिल्मों की बात करें तो हम देखते हैं कि हर ट्रांसफॉर्मर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़े तौर पर मैकेनिकल होता है। हर एक पार्ट और टुकड़ा डिटेल से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्रेसिव लगे। टॉय डिज़ाइन और एनिमेशन, जो डिज़ाइन आप फिल्मों में देखते हैं वही डिज़ाइन टॉयज़ में भी दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि डिज़ाइनर्स को ये कन्फर्म करना होता है कि हर ट्रांसफॉर्मर का टॉय भी आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सके। अलग अलग मीडिया के लिए डिज़ाइन, जब हम ट्रांसफॉर्मर के डिज़ाइन की बात करते हैं तो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहते। डिज़ाइनर को एनिमेटेड शो, वीडियो गेम्स और कॉमिक्स के लिए भी डिज़ाइन बनानी होती है। इस सब के बीच हर डिज़ाइन को एक जैसा दिखाना होता है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म की ज़रूरतों के हिसाब से। अब बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध डिज़ाइनों के एग्जाम्पल की। ऑप्टिमस प्राइम, ऑल टाइम फेवरेट ऑप्टिमस प्राइम के डिज़ाइन में कई बदलाव आए हैं, लेकिन ऑप्टिमस के डिज़ाइन में हमेशा एक शांति और मजबूती का एहसास होता है। ऑप्टिमस का रंग, आकार और चेहरे की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मायने रखती है। बम्बलबी, बम्बलबी के डिज़ाइन में खास तौर पर बच्चों के लिए आकर्षण रखा गया है। उनका सरल, प्यारा और दोस्ताना रूप व्यूअर्स को तुरंत अट्रैक्ट करता है। बी की ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया भी दर्शकों के लिए एक रोमांचक एक्सपीरियंस है। मेगाट्रॉन, मेगाट्रॉन के डिज़ाइन में हमेशा एक डर और शक्तिशाली रूप होता है। हर फिल्म में मेगाट्रॉन के डिज़ाइन में कुछ नया जोड़ा गया है, जिस वजह से वो और भी खतरनाक और इम्पैक्टफुल लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक ट्रांसफॉर्मर का डिज़ाइन होता है और उसे बनाने के पीछे क्या क्या प्रोसेस और चैलेंजेस होते हैं। डिज़ाइनर्स की मेहनत और कला से हम उन शानदार ट्रांसफॉर्मर को देख पाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट ट्रांसफॉर्मर कौन है और क्यों है। धन्यवाद।